एक बार की बात है, नंदपुर गांव में विमला नाम की एक महिला अपने पति के साथ रहती थी। दोनों पति पत्नी इसी बात से दुखी थे कि उनकी कोई संतान नहीं थी। शादी को कई वर्ष बीत चुके थे पर उनकी ये इच्छा अभी भी अधूरी थी। दोनों पति पत्नी ने बहुत उपाय किए पर उनके फिर भी संतान पैदा नहीं हुई। धीरे धीरे 10 साल बीत गए। अब तो दोनों पति पत्नी की संतान प्राप्ति की इच्छा भी खत्म हो चुकी थी। एक दिन विमला का पति रघुवीर बहुत बीमार पड़ गया। विमला अपने पति को लेकर शहर शहर घूमी पर कोई फायदा नहीं हुआ। पति के बचने की कोई आशा न रही। अचानक विमला को पता चलता है कि वो गर्भवती है। वो अपने पति को बताती है। उसका पति बहुत खुश होता है पर उसका अंतिम समय नजदीक था। वो अपनी पत्नी विमला से कहता है, विमला, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे मर जाने के बाद तुम अब अकेली नहीं रहोगी। तुम अपने बच्चे के साथ जीवन काट सकोगी। मेरे बाद हमारा बच्चा तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। तुम उसे खूब पढ़ाना लिखाना। ये कहकर रघुवीर स्वर्ग से धार गया। विमला के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वो अकेले कैसे बच्चे को पालेगी, इसी चिंता में वो सोच में पड़ी रहती थी। विमला ने सोचा, मुझे अपने बच्चे के लिए जीना होगा। मुझे अपने बच्चे को जिंदगी भर खुश रखना है, इसलिए मैं काम करूंगी। मैं अपने बच्चे को दुनिया की हर खुशी दूंगी। विमला सारा दिन खेतों में काम करती और पैसे कमा कर जो भी कुछ बचता उससे अपने लिए खाने का सामान खरीद लेती। उसे अपने साथ साथ बच्चे की भी देखभाल करनी थी, इसलिए वो भूखी नहीं रह सकती थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। विमला के बच्चा पैदा होने के दिन नजदीक आ रहे थे। विमला के पड़ोस में एक औरत रहती थी। विमला ने उसे बुलाया, मौसी, मुझे लगता है मेरा दर्द बढ़ता ही जा रहा है। मौसी कुछ करो। तुम चिंता मत करो विमला, मैंने दाई को बुला लिया है। ये हकीम जी का काढ़ा पी लो, दर्द में आराम पड़ेगा। इतनी देर में दाई माँ आ जाती है और कुछ देर बाद विमला एक बेटे को जन्म देती है। दाई माँ बच्चे को विमला की गोद में देती है। बच्चे को गोद में लेते ही विमला अपना सारा दुख दर्द भूल जाती है। अब विमला को अपने बच्चे की परवरिश के लिए काम करना था। वो खेतों में भी काम करती और कहीं मजदूरी का काम होता तो वो भी करती। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब विमला का बेटा स्कूल जाने लगा था। एक दिन विमला का बेटा दीपक स्कूल से आकर बोला, माँ, मेरे दोस्त बंटी की माँ शहर से अपने लिए नई मोटर कार लाई है। वो रिमोट से चलती है। मुझे भी वैसी मोटर कार लेनी है माँ। अरे, पहले मेरा राजा बेटा खाना खा ले, फिर हम मोटर कार खरीदने बाजार चलेंगे। विमला दीपक को बोल तो देती है कि खिलौना लेने बाजार जाएंगे, पर विमला के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दीपक को खिलौना दिलवा सके। उस दिन वो दीपक को बहाना कर देती है कि उसे काम पर जल्दी जाना है। दीपक गुस्से में आकर घर से बाहर भाग जाता है। विमला काम पर चली जाती है। दीपक एक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो देखता है उसके बराबर में 3-4 बच्चे कुछ खेल रहे हैं। उनमें से एक लड़का दीपक से कहता है, ओए लड़के, क्या देख रहा है? खेलेगा क्या? पैसे हैं तेरे पास तो आ जा। ये क्या जुआ खेल रहे हो आप? इसे जुआ नहीं कहते, इसे एक हाथ दो एक हाथ लो कहते हैं। कम पैसों के बदले ज्यादा कमाई और ढेर सारे पैसे, क्या समझे? अच्छा, फिर तो मैं अपना खिलौना भी खरीद सकता हूँ। माँ तो मुझे कभी भी खिलौना नहीं खरीद कर देगी। ठीक है भैया, मैं घर से पैसे लेकर आता हूँ। भैया, ये मेरे पास 20 रुपए हैं, क्या मैं इससे जुआ खेल सकता हूँ? अबे 20 रुपए से जुआ थोड़ी खेलते हैं, और पैसे लाने पड़ेंगे। कम से कम 100 रुपए लेकर आ, तब तू ये जुआ खेल पाएगा। दीपक घर जाता है और रात के वक्त जब उसकी माँ सो रही होती है तो वो माँ के बटुए में से 100 रुपए का नोट निकाल लेता है और अगले दिन उसी लड़के के पास जुआ खेलने पहुंच जाता है। विमला जब अपना बटुआ देखती है तो 100 रुपए का नोट गायब होता है। विमला सोच में पड़ जाती है कि ये 100 रुपए का नोट कहाँ गया।
मैंने तो इसी बटुए में रखा था। वो दीपक को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंचती है जहां दीपक और लड़कों के साथ जुआ खेल रहा होता है। वो दीपक के साथ खेल रहे लड़कों को डांटने लगती है और दीपक को घर ले आती है। वो दीपक को प्यार से समझाती है, दीपक बेटा जुआ खेलना बहुत बुरी बात है, और दूसरी बात चोरी करना, जो तुमने आज मेरे बटुए में से 100 रुपए निकाले। दीपक, तुम्हारे पिताजी और मेरी इच्छा यही रही कि तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो, पर तुमने आज चोरी की, जुआ खेला। विमला रोने लगती है। दीपक माँ को रोते हुए देखता है तो वो भी रोने लगता है और माँ से लिपट जाता है। विमला उसे प्यार करती है। दीपक विमला से कहता है, माँ मैं अब कभी भी चोरी नहीं करूंगा और ना ही जुआ खेलूंगा। दीपक के भविष्य के बारे में सोचकर विमला ने फैसला किया कि वो गांव छोड़कर शहर चली जाएगी। विमला गांव छोड़कर शहर आ गई और शहर की एक छोटी बस्ती में उसने किराए का कमरा ले लिया। दीपक को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए विमला आस पड़ोस के घरों में काम करने लगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब दीपक भी बड़ा हो गया था। एक सरकारी दफ्तर में उसकी नौकरी लग गई। ऑफिस के मालिक की लड़की से दीपक को प्यार हो जाता है। मालिक की लड़की पूजा भी दीपक को पसंद करती है, पर शादी में यही रुकावट आती है कि शादी के बाद दीपक पूजा के साथ किराए के घर में नहीं रहेगा, वो पूजा के साथ उसके पिता के घर में ही रहेगा। ये बात दीपक अपनी माँ से कहता है, पर विमला उसे मना कर देती है कि अगर उसे शादी करके पूजा के साथ रहना है तो वो रह सकता है, वो गांव वापस चली जाएगी। दीपक पूजा के साथ शादी करके उसी के घर में रहने लगता है। विमला गांव वापस चली जाती है। विमला गांव में बिल्कुल अकेली उदास रहने लगी। जिस औलाद के लिए उसने इतने बलिदान किए, अपना पेट काट कर पाला, आज उसके बिना ही जीवन विमला काटने को मजबूर थी। दीपक शादी के बाद माँ को बिल्कुल भूल जाता है, उसे माँ की याद भी नहीं आती। गांव में विमला दीपक के आने का इंतजार करती रहती। गांव के लोग उसे कहते, अरे विमला क्यों रोजाना नई सब्जी तरकारी दीपक की पसंद की बनाती रहती हो, तुम्हारा दीपक अब वापस नहीं आने वाला, वो अपने परिवार में व्यस्त हो गया है, वो तुम्हें भूल चुका है। नहीं शीला मौसी, मुझे पता है मेरा बेटा एक दिन मुझसे मिलने जरूर आएगा। दीपक के आने का इंतजार करते करते विमला एक दिन स्वर्गवासी हो जाती है। दीपक माँ के मरने की बात से बेखबर होता है। अचानक उसे माँ का ख्याल आता है। वो पूजा से माँ को कुछ दिन के लिए गांव से लाने की बात कहता है। पूजा और दीपक में लड़ाई हो जाती है। पूजा दीपक से कहती है, एक तो मेरे डैडी ने तुम्हें नौकरी दी, तुम्हें रहने को आलीशान घर दिया, मेरी भूल थी जो तुमसे शादी की। पूजा, मैं माँ को हमेशा के लिए नहीं ला रहा, कुछ दिनों में उनको वापस भेज देंगे। कई महीनों से माँ की कोई खबर नहीं, एक बार उनसे मिलाता हूँ, अगर वो मना कर देंगी तो नहीं लाऊंगा। दीपक माँ से मिलने गांव चला जाता है, पर गांव पहुंचकर उसे बहुत बड़ा झटका लगता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वो अपनी माँ को याद करता है। माँ, मैं तुम्हारा बेटा कहलाने के लायक नहीं, मैंने तुम्हें बुढ़ापे में अकेला छोड़ दिया, तुमने मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी, मुझे पाला पोसा, हर तकलीफ से मुझे बचाया, पर मैंने अपना स्वार्थ देखा, मुझे माफ कर दो माँ, मैं तो तुम्हें मिलने आया था, तुम्हें लेने आया था। बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार करते करते थक गई, वो रोजाना तुम्हारी पसंद की चीजें बनाती थी कि मेरा बेटा आएगा और उसे अपने हाथों से खिलाऊंगी, पर तुमने आने में बहुत देर कर दी, तुम्हारी माँ किस्मत के आगे हार गई और इस दुनिया को छोड़कर चली गई। दीपक को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो वापस घर लौटता है। पूजा जब सारी बात सुनती है तो वो भी रोने लगती है। दीपक अपनी माँ को खो चुका था, वो माँ जिसने गर्भवती अवस्था में अपने बेटे का ध्यान रखा, सारी मुसीबतों से उसे बचाया, अकेले पाला पोसा, आज वही बेटा उसके किसी काम नहीं आ सका। दीपक माँ का वही बटुआ जिसमें से उसने कभी पैसे चुराए थे, वो माँ की याद स्वरूप अपने साथ ले आता है। दीपक बटुआ खोलकर देखता है, उसमें एक खत होता है जिस पर लिखा था, अपने आप को दोषी मत समझना मेरे बच्चे, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं, हमेशा खुश रहना,
मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी माँ।